ओके सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज किस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस, इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पीजीज का मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, इस फोटो एडिटिंग के लिए यार आप लोगों की कुछ ज्यादा डिमांड थी, तो गाइस इसलिए मैं इसकी इस वीडियो को यार बहुत ज्यादा मतलब कि मेहनत करके मैंने बनाई ये वीडियो को, कि यार इसके पीएनजीज वगैरह जो मेरे को मिल नहीं रहे थे, तो मैंने काफी मेहनत से पीएनजीज वगैरह ढूंढे। एंड गाइस, मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाऊं, तो गाइस उसके लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और गाइस, अगर आपको कोई भी कंटेंट अगर आपको पसंद आता है ना पूरे इंस्टाग्राम में, तो आप लोग मेरे को बस एक बार टैग कर दिया करो या मेरे को मैसेज करके बता दिया करो, मैं आपके लिए उसका ट्यूटोरियल कहीं से भी लाना पड़े मेरे को मैं ला के दे दूंगा। बस आप लोग मेरे को थोड़ा सा बस इतना ही कर देना आप अपने लिए, बाकी ट्यूटोरियल लाने का काम जो मैं अपने आप पर देख लूंगा। तो बाकी गाइस, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चलिए गाइस, आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, आप सभी को सबसे पहले तो इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैंने दे दिया है, ठीक है? तो अभी डाउनलोड मत करना, पहले वीडियो को देख लो। अब गाइस, बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद जो आप सभी को ऐड फोटो में जाना है, यहाँ से गाइस पहले अपना मॉडल को ऐड करना है आप सभी को, ठीक है? जैसे कि हम लोग हमेशा पहले मॉडल को ऐड करते हैं, तो आपको पहले मॉडल को ऐड करना है एंड इसको आपको पूरे फुल स्क्रीन करके ऐसे मतलब ऐड कर देना अपने मॉडल को। एंड उसके बाद आपको इसमें अभी डन नहीं करना, आपको उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो आप लोग पहले ध्यान से देख लो वो क्या करना है आपको। गाइस, यहाँ पे मॉडल को जब आप ऐड कर दोगे तो उसके बाद जो आपको सिंपली एक बार साइड में टैप करना है, ठीक है? एंड उसके बाद आपको ऐड फोटो में जाना है। एड फोटो में जाने के बाद आपको एक बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलेगा गाइज, अगर नहीं हो ऑप्शन आपके उसमें तो आप कोई भी ब्लैक कलर का पीएनजी जो है ये वाला ब्लैक कलर का जो बैकग्राउंड है कहीं से भी आप देख लेना, आपको ड्रो टूल में भी मिल जाएगा, तो आप देख लेना। बाकी आपको उसको अपने स्क्रीन के ऊपर कुछ स्टाइल से मॉडल के ऊपर रखना है, रिजल्ट रूल में जाकर इन्वर्ट करना, ब्रश लेना, ब्रश का साइज छोटा करके आपको फोटो को जूम करके आपको अपने मॉडल के नीचे जो शेडो क्रिएट करनी है कुछ इस टाइप से। मैं गाइज आपको शेडो बनाना इस तरीके से सिखा रहा हूँ, अगर आपको किसी और तरीके से भी आता था वैसे भी शेडो बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस शेडो होने चाहिए मॉडल के नीचे, ठीक है? बाकी उसके बाद आपको ये करना है, आपको उसको मूव डाउन कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली इसकी ओपेसिटी जो है कम कर लेनी है, ताकि जो मतलब मॉडल जो हमारा एकदम रियल लगे कि हाँ सही में वहाँ पे खड़ा है, ठीक है? तो बाकी वीडियो को लाइक कर दो जब तक यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी ऐड फोटो में जाने के बाद आपको सिंपली जो फिश के पीएनजी आपको सिंपली इसको ऐड कर लेना है, ठीक है? इसको ऐड करोगे जब उसके बाद आपको ये करना है, आपको इसको सिंपली यहाँ पे जो है मतलब कि ऐसे फुल स्क्रीन करना है, थोड़ा सा मतलब पूरा नहीं करना है, हल्का सा करना है, ये मतलब कि ज़्यादा बड़े भी ना लगे, ठीक है? इस टाइप से करना है। फिर उसको आपको इसको ऐड कैसे करना है, देखो आपको ना इसमें कुछ भी इरेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मैं सिंपली इसमें मतलब ईजी स्टेप में समझाता हूँ आपको कैसे करना है। देखो जब आप इसको ऐड कर लोगे ना यहाँ पे, तो साइज वाइज आपने आप देख लेना। एंड उसके बाद जो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आपको एक इसका ना डुप्लीकेट बनाना है। वो डुप्लीकेट क्यों बनाना है वो मैं बताता हूँ, पहले इसको मूव डाउन कर लेना है, देन आपको एक डुप्लीकेट बनाना है इसका, ठीक है? इसका डुप्लीकेट बनाने के बाद जो आपको क्या करना है, आपको पहले मैं इसका डुप्लीकेट बना लेता हूँ पहले, फिर डुप्लीकेट बना के आपको उसको सेम साइज में रख देना है, वैसे ही जैसे था मतलब पहले वाला पीएनजी आपको वैसे ही रख देना है। फिर आपको जाना इरेजर टूल में, इरेजर का आपको हार्डनेस यहाँ पे फुल कर देना है, ठीक है? एंड इरेजर का हार्डनेस फुल कर देने के बाद आपको सिंपली ऐसे इरेज करना है फेस के पास से, एंड यहाँ से आपको अपनी जो आपकी बॉडी है यहाँ पे इस टाइप से, ठीक है? तो देखो गाइस कितना मतलब कि एकदम इजी स्टेप मैं आपको समझा दी कि मतलब देखो पीएनजी आप कैसे लगा सकते हो, मतलब इसमें आपको ना कुछ मतलब कि फेक सा भी नहीं लगेगा, एकदम मतलब रियल टाइप का लगेगा। एंड इरेज इरेज करने से ना कभी कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी इरेज हो जाता है, तो यार वो सब ना नोटिस कर लेते लोग, बट इसमें जो है गाइस कोई नोटिस नहीं कर पाएगा कि आपने इसमें कुछ इरेज किया है, ठीक है? मतलब आपका जो पीएनजी एकदम अच्छे तरीके से यहाँ पे लग गया है, ठीक है? अब इतना हो जाने के बाद आपको इसमें शेडो है ना, मतलब आपको देखो सिंपल बैकग्राउंड है, तो सिंपल बैकग्राउंड में ना तो मतलब जो रिफ्लेक्शन है ना अपना वो दिखाना जरूरी होता है, ठीक है? तो रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली मतलब अपने पैरों के नीचे एक शेडो क्रिएट करनी है, यानी कि एक लाइन टाइप की, ठीक है? जैसे कि आपको कैसे करना है वो आपको जाना है टूल्स में, टूल्स में जाने के बाद आपको एडजस्ट में जाना है, एडजस्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ब्राइटनेस का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इसका जो अमाउंट है जीरो कर देना है। एंड उसके बाद इरेजर टूल में जाना, आपको उसको इन्वर्ट कर देना, ब्रश लेना है, ब्रश को लेने के बाद जो आपको यहाँ पे साइज वगैरह छोटा कर लेना है, ठीक है? अब यार क्या हो गया यहाँ पे पेंट हो जा रहा है, तो आपको उसका साइज छोटा कर लेना है, ठीक है? साइज छोटा कर देने के बाद जो है अब ये पेंट हो जा रहा है साइड में, इसको इन्वर्ट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको देखिएगा इस टाइप से एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है? जिस तरीके से ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इरेजर लेना है, फोटो को जूम करना है, एंड जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है ना, जैसे कि ये मेरा एक्स्ट्रा पार्ट, ठीक है? तो इसको आपको ऐसे से मतलब इरेज कर लेना अच्छे से, ठीक है? इरेज करना है और देखना है कि कोई भी पार्ट मतलब एक्स्ट्रा ना हो जाए, आपके पैरों के अलावा और कहीं नहीं जाना चाहिए, मतलब पैरों के सामने से जो होगा पार्ट वो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी उस साइड में कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे हमने इरेज किया, अभी इस टाइप से जो है इस तरीके का भी यहाँ पे भी इरेज कर देते हैं जो यहाँ पे वो रखा है, ठीक है? जब इतना इरेज हो जाएगा आपको सिंपली क्या करना है, आपको उसको डन करना है, एंड इसकी जो ओपेसिटी है ना उसको आपको पहले यहाँ पे इस तरीके से मैनेज कर लेना दीजिए। अब देखिएगा कितना अमेजिंग लग रही है हमारी फोटो यहाँ पे, अब आपको उसको कर देना डन, ठीक है? इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली अपनी इस फोटो को सेव करना है, एंड इसको लेकर चलना है लाइट रूम ऐप में, क्योंकि इसको रिटच करके ना एकदम और भी मस्त बना देंगे अभी, तो अब इसको हम सेव करते हैं पहले। सेव कर देने के बाद जो आपको सिंपली इसको ले जाना आपको यहाँ से लाइट रूम ऐप में, ठीक है? लाइट रूम ऐप को हम ओपन करते हैं यहाँ पे पहले। अब लाइट रूम ऐप में तो हम फोटो को पहले से इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो भाई वो सब तो दिखा नहीं सकता मैं आपको, तो आपको जाना है स्लाइड वाला ऑप्शन में, आपको इसका कॉन्ट्रास्ट जो है आपको पहले यहाँ पे हल्का सा इसको माइनस की तरफ करना है, हाईलाइट है जो इसको प्लस करना है, शेडो जो है इसको इंक्रीज करना है,
ठीक है हल्का सा, एंड उसका जो व्हाइट है इसको आप इंक्रीज कर देना है, जो ब्लैक है इसको भी इंक्रीज कर देना है, ठीक है। फिर उसका जाना आपको कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद आपको हमें वाइब्रेशन बढ़ा देना है, टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर देना ताकि फोटो ब्लू टोन आ जाए, एंड उसके बाद मिक्स टूल में जाना है, ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, सैचुरेशन आपको माइनस करना है, लूमिनस आपको बढ़ा देना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना येलो कलर में, येलो कलर का सैचुरेशन आपको माइनस कर देना है, फिर जाना आपको डार्क ब्लू में, आपको उसका सैचुरेशन जो है हल्का सा प्लस कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको डन कर देना है, एंड उसके बाद जाना आपको फोटो इस टूल के नीचे वाले टूल में फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज कर देनी है, फोटो में विग्नेट डाल देना हल्का हल्का, ठीक है, ज़्यादा मत डालना, हल्का हल्का विग्नेट ही सही रहेगा। बाकी उसके बाद नीचे आपको मिलेगा ग्रेन माउंट, आपको उसको बढ़ा देना है, एंड उसके बाद जाना आपको यहाँ से नीचे वाले टूल में, नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको फोटो की शार्पनेस इंक्रीज कर देनी है, फोटो में जो नोटिफिकेशन वगैरह उसको बढ़ा देना है, एंड इसके नीचे मिलेगी आपको कलर नोटिफिकेशन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी जो फोटो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस देखिए बिफोर एंड आफ्टर, तो गाइस फोटो जो हमारी कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ आपसे वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।